ये देखो भाई कितना प्यारा गाना था अपना, यो इश्क का तरखा। राणा साहब की लुक देखो यार, राणा साहब की लुक देखो। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? राणा साहब की लुक देखो, मैं कहूँ था कुछ नहीं है, गाना था कुछ तो बनाया था, तो यूट्यूब पे है, तो ये मतलब अभी प्रेजेंट की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। गाना बनाया था तो यूट्यूब पे, यो मतलब बहुत अच्छा गाना है, इश्क का चरखा है भाई, रेणुका पवार ने गाया था और आरजू ढिल्लो और मंदीप राणा इसमें मेन लीड में, और बहुत ही मतलब बहुत गजब की वीडियो बना रखी इस गाना की, तुम देखियो यार बहुत गजब है। ये हिंट है, ऐसे हम प्रमोशन करते हैं। खुद के गाने के ऐसे करिए नहीं तो सब क्या क्यों कर दे, प्रमोशन करवाया करो। हाँ तो भाई अपने और भी अगर लेटेस्ट गाने तो हमने सुनने हैं तो 40-50 गाने यूट्यूब पर मिल जाओगे, मंदीप राणा न्यू हरियाणवी सॉन्ग्स करके आप यूट्यूब पे सर्च करो, बाकी व्लॉग बहुत सारे हो रहे हैं, एक तो गाना के बीच में व्लॉग भी मिक्स मिलेंगे तुमने, तो मंदीप राणा न्यू हरियाणवी सॉन्ग्स करके सर्च, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने देखने मिलेंगे तुमने भाई। ठीक है, तुम्हें डिस्कस कर लो, मांगने में बैठा हूँ। राम राम जी, स्वागत है आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। आप सुबह के बज गए हैं, शायद 10:15 हो गए हैं, और मैंने आज सारा काम फिनिश कर दिया अपना, करके मशीन लगाई थी, कपड़े धो दिए थे, चादर को लिए जो भी हमें स्कूल में भेज थी, फोरस रोटी खुआ के लिए आया खुआ दिया, और झाड़ पोछा सारा कर दिया मैंने। 10 मिनट राना की रोटी बनाने जा रही हूँ, अभी बनाना है, अभी उठे थे थोड़ी देर तक तो फोन में लगे रहे, और ये बनना आई हैं जो तो लगाई हैं, तो मैंने खाना बना के खुआ दी। जी राम राम सारा ने, कैसे हो, ठीक ठाक हो? फिलहाल 11 बजने वाले हैं, मैं नहा लिया था, जोत बत्ती कर दी थी और मैंने खाना खाया है भाई जस्ट अभी अभी। मैं काम भी बन गया। तो मैंने तन्ने मारा करते, तेरा काम नहीं बने, तेरा नू नहीं बने, तू सोया जा से ना, मैं सोन देर काम भी कर दिया, अरे मैं रोटी खाऊँ और मारे नल के आएगी, मैंने मोटर से चला दी अपनी, अरे मारा पानी भर चेगा, फिर मेरा बेटा उठ जाएगा, फिर मेरे बेटे के खेल लो जी। मेरा बेटा उठ लिया, मैंने रोटी खा ली, और ये सोन रह गया था जब मम्मी तो रोटी थी, मैंने रोटी खा ली थी, क्योंकि बच्चे खेल मम्मी की मैं पहले बना दिया, पूरी तीसरी बार रोटी बनाई थी मैंने, और खा खुल ली। ईब कै बजे रहे होंगे, 11 बजे हैं, और ईब मम्मी बेटा हम खेल लाएंगे, फिर अम्मी रह जाएंगी, और फिर ये 2:30-3 बजे सोएंगे, ये रूटीन नहीं था इतना, मैं तो रोने बैठी नहीं हूँ करके, ना मिस्टर राणा अपना की कर रहा है, कुछ नहीं करते हैं, नहाँ धोव खाँ, थोड़ी बार मैं सोन दा एक देंगे, हम बोल पड़े तो नींद खराब कर दी, और फिर सार दिन से हमारी नींद खराब करेंगे, हमारे नलके चाल लग रहे हैं, और जिम मरा हो जाएगा, मोटर बंद कर देंगे, आज भर जाएगा के उस दिन कौन नहीं भरा था। और मम्मी मेरी मम्मी आड़ा लेट रही है भाई, और रोटी भाई खाना पीना खा के भाई, खाना पीना खा के ना ना धो के ना। नून लिखा के नून जत लिखा, नून वाले आदमी ने इसका टीवी बंद कर दिया, ये गाने सुना था, और मैं इतने सारे कपड़े धर रही हूँ, ये कैल के बाद तो कैल के आज के धोए तो गाने सारे हो गए, उनका प्रेस करूंगी, हमारे नल के तक गए नहीं है क्योंकि मेरा उद्दे नहीं भरा है, तक करिए छोरा गाने सुनेगा, मैं प्रेस करूंगी, इसके गाने चला दे, क्योंकि कूलर भी बंद हो गया, टीवी बंद हो गया, तो इसका उतरती सी होगी, एक बच्चे लायक दिखाई उसे। गाने भी से सुना जिनसे मेरे फेवरेट है ना, वैसे लड्डू देख लेते हैं, फिर सुने को नहीं तुम बोले, यू गाने सुने कर मैं प्रेस करूंगी, फिर अपनी तेन आना और स्कूल में तो एक बार होया नहीं, टाइम थोड़ी देर में आऊंगी, और फिर आंदे हो ना चाहिए भीम देखना, कार्टून देखा करें, तो इतने इसके गाने सुन ले, पानी का गिलास पिला दे मैंने, फिर हम उसके गाने चला दे। लो जी फिलहाल बच्चों का स्कूल में ताने का टाइम हो गया, मेरी माँ पोरस ने खिलाने लग रही है, आज बच्चा ने मैं ले गया हूँ भाई, अवनी और तनु को स्कूल में तो ले आया, गर्मी बहुत है, और इन बैगा में बहुत वजन है बेटा, कुछ उठा के ले आओ तुम, इन बैगा ने बहुत वजन है इनमें, तो इनकी दोनों सारी बुक डाल रखी बैग में, तनु तो मैं जो जरूरत
हाँ तो पूछ ले ना, वजन बहुत ज्यादा है इनका बैग में। अच्छा ये पोरस के क्या है बेटा? बेटा पोरस, बेटा पोरस के क्या लग रहा है? पोरस की अच्छा ये पोरस के क्या है? पोरस की सुनी इनकी मैम से पूछ के, और बैग में तो बुक वगैरह काट ले, कुछ बहुत ज्यादा वजन है ऐसे कुकर उठाऊं। मैम तो ये कह रही थी हम अपने आप निकाल लेंगे, बाकी मैं पूछ लूंगी। हाँ ज्यादा वजन है, मैं तो आज ले आई नहीं देखे। कपड़े चेंज कर लो बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है। कौन बना हुआ पूरे? तू कह के आई है? देख के चटोरी हो रही है छोरी, दो फारी में स्कूल में तांदे नू तो है नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर ला, सो ले माँ है, ये पूरे खाओगे। तेरे क्या हो रहा भाई? ओए ओए, पहले तो ये छोरी सोन नहीं दी तुमने, सच्चे बना हुआ है के अब नहीं सही है क्या? पूरा की तैयारी कर रही है माँ? ओरे भाई ये स्कूल में आई छोरी आई जो मेरा माँ पूरे तैरते मौसम भी छिला रहा है जो साठ सामन का टाइम होया करे ना, गुलगुले सुहाड़ी पूरे इनका टाइम हुआ। पहले तो जो मामे कोथड़ी लिया करते ना, कोथड़ी में भी घरा बना उड़ी सुहाड़ी सुड़ी लिया करते, मेरा मामा भी लिया करता, हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे, मेरी माँ भी बनाया हुआ। तनु अवनी का भी बिरानी कुकर जी कर गया, मेरे भी फेवरेट हैं तवाले पूरे, और ये भी अवनी तनु ने जगह क्या खोजा पूरे खा ले। मैं चला गया, नींद को नहीं आई थी उसने। मेरा तो छोटा भाई बर्फी तार के लिया करता, बर्फी भी हाँ, मेरी माँ का बर्फी भी लिया, मेरा मामा गुजर रहा है, वो छोटा था बटा जी वह। तो तन्नू सोन लाग रही थी पहले, अपनी जगह गई को नहीं आई, मैं गया रोन लागू, बोला मैं तेरी बेटी नहीं बनती, तो ना मेरी नींद खराब कर दी, सोई कौन थी वाह। उसके मैंने थोड़ा सा ऐसे ही नू मार दिया था, पहले पोरस ने कौन सोन दी थी, वही पोरस सोवा था, मैं उसने बुलाऊँ था जब पूरे खावाऊँ, तो मैं नहीं तेरी बेटी बनती, तो ना मेरी नींद खराब कर दी, तो ये थोड़ी देर में मेरी माँ बना देगी पूरे यार, फिर खावाँगे पूरे। लो जी हमारे गर्मा गर्म पूड़े हो गए हैं तैयार, और अवनी तो सोई को नहीं, खेले गई यार, तन्नु सो गई, इसकी मम्मी सो गई, और पोरस हो गया, तो हमें पापा बेटी जागा थे पूड़ा खातर, तो हमें खा लें भाई, मेरी माँ बना लाए करिए, देखो खा लें बेटा खा लें। लो जी बच्चे तो सो गए हैं, पोरस सर तन्नु तो मैंने पहले सोया दी थी, तो अवनी सोया दी है, अरे मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, मम्मी पूड़े बनाने लग रही है, और मिस्टर आनंद ने अभी ने तो पूड़े खा दे, तेन सो गई, फिर मैं खा करूँ ठंडे हुए पीछे, मैं हलवा खीर और पूड़े जुम्मन ठंडे हुए पर अच्छा खा करूँ, हमेशा गर्म को नहीं खा करती, तो मैं ये बर्तन साफ कर लूँ, फिर एक आधा और काम कर लूँ, इतने बच्चे उठिए नहीं फिर अपना बच्चा ने संभालूंगी। गर्मी लगन लगी फोन दे दे फिर मन दिया को नहीं चाहते, तो मैं दूध दादू कुछ खोया पे और मैं सोई को नहीं, मैं सोया नहीं करती, मैं नींद नहीं आती, मैं तो अपना सब्जी काट कर रखी है, खुआ खू कर कुछ और सब्जी बना दूंगी, इतना अवनी तनु उठ जाएंगे, और अवनी तनु और भी आज उन्हें मठान दी नहीं, अपनी मर्जी तो उठ जाएंगे। ये पे स्कूल का मैसेज आया है कि कल उनकी छुट्टी है सेकंड सैटरडे की, तो सोया जाऊंगी, जोड़ बती सोऊंगी, इसमें देखना मेरा बेटा की कर। लो जी मैंने मेरा काम कर दिया था, बच्चे उठ लिए थे, और बच्चा नर मैंने पूड़े खा लिए थे, बड़े टेस्टी बन रहे थे, और इसने भी खाए थे, और ये भैया मैंने नुहा दे रही तेल के तले, अरे मैं इनका लाऊंगी पड़ी नू दिए को नहीं रान के कच्ची पहले मैंने सब्जी सब्जी बना दी थी, इनके उठन से पहले ज़्यादातर काम कर दिया था हमने,
अरे उसके बाद तो इन खुआ पे आए हैं खिलाए हैं नुआए हैं बस ये करा ज्यादातर तो जड़ जुड़ू कैट दी दूध गवाऊंगी सब्जी सब्जी ये मेरा काम रह रहा है बस रोटी बनानी और लाइट आओगी टंकी में पानी चढ़ाऊंगी लाइट आई नहीं तो किस टाइम आओगी रुक जा रही पड़ेगा किच तंगेगा तेरा कौन बन दी तो फिलहाल तो मैं बच्चे को तेल ला दी कपड़े भरा दूँ और फिर क्या करूँ मैं फिर लाइट की बाट देखूँ फिर रोटी बनाऊंगी मिस्टर उन्होंने कहे हैं ये बैर था रील बनानी है कि मैंने कह दिया देख लो भी ये मैंने कहा देख ले मैं एक तो प्रमोशन वाली आ रही है ना प्रमोशन वाली तो बनानी है प्रमोशन भी कर दें जिसने प्रमोशन करवानी उन्हें कमेंट कर दिया बाकी एड्रेस और जो भी आगे के जानकारी देनी होगी हम बाद में दे देंगे जिसने प्रमोशन करवानी है मेन कर देंगे हाँ, सिर्फ रील रील आगे नहीं ब्लॉग में भी किसी प्रकार की ब्लॉग में भी कर देंगे किसी भी प्रकार की है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है फिलहाल बच्चे हैं तेल लगा लो जी बच्चे हैं मजे एक तो उड़ान पड़न हो रहा है उन्होंने आ जाए लगवा ले बेटा तेल लगवा ले सर में अवनी सिर में तेल लगवा ले बेटा कपड़े डालो अच्छा पूरा हाँ पूरा शरीर पे लगा कर नारियल तेल तो जरूरी होगा है नहाने के बाद हाँ ठीक है बेटा लगाओ 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 हाँ मम्मी लगाओगी पूरा ही शरीर पे लगाओगी ये देखो भाई पोरस इतना रोंदा था हमने देख क्या कहते भी देख पूनी प्यारी है हेलो एक बार इसकी नाक साफ करिए थोड़ी सी मेरा बेटा के पूनी आ रही है देखो भाई इतना एक मिनट इतना रोंदा था हमने कदे भी नहीं देखा होगा क्यों रो रहे हो इसने आजकल एक आदत पड़ रही है के आदत पड़ रही है इसका हाथ में कि मैं भी आवे है सामान उसने बैठ तो नीचे घेर दे है मैंने इसका हाथ हटा दिया था देखो इसका हाथ में कि मैं भी सामान आ जाए है ना यो बैठ तो नीचे फेंका है और फिर उसका गला नीचे उतरने की कोशिश करा है और फिर के सिस्टम बनाया मैं फोन पर बात करूं था और यो इसने रिमोट फेंक दिया मेरा रिमोट की तरफ ध्यान गया मैं इसने उठा के देने लग गया वहां इसकी मम्मी ध्यान रख लेगी फिर इसका गला रिमोट का गला ही आ गया फिर भी मैंने हाथ हटा दिया था लेकिन इसका मन है सिर वगैरह कुछ भी नीचे नहीं लागन दिया आराम तो लेट गया था यो आराम तो लेटते मैं अपने कंटिन्यू फोन पर बात करे गया आई बताओ जी कोई नहीं बेटा कोई नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ओ मिला लड्डू अच्छा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है हाँ। किसका इंजेक्शन लगाओगी किसका सुबह लगाओगी माँ का क्या होगा माँ का पेट दुख है देख लो भाई तन्नू चश्मे लगा के डॉक्टर नहीं बन रही है बोला मैं डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा हूँ माँ का पेट दुख है बोला इंजेक्शन लगाऊंगी तू क्या करे मैंने पापा मैं किचन सेट सेट खेलूं किचन सेट खेल रहा है अच्छा तू क्या कर रहा भाई पटा है तू परसू काम तो पहले भी बन रहा था आपका थोड़ा सा रह रहा था लाइट क्या मैं तीन चार किलो दो ढाई किलोमीटर तक हाँ पैदल कूलर में पानी डाल दिया जो आप नहाते नहीं बस ये काम रहा मेरा रोटी बनाओगे रोटी खुआओगे हम नहीं तो सॉरी डॉक्टर बन गया पापा बड़कन घेरा जाकर दवाई पानी देनी पड़ती है सही है जी भूख लग रही है मैंने भी ठीक है लो जी चुंजन मैंने पहले भेज दिया था और सब्जी बनाए रखी है आपने बना रखी है कवाल की कड़ी की इस तरह लाए थे नहीं दो बार बन गई एक बार तो परसों भर लेती बनाई थी रात बनाई थी खत्म हो गई मैं बहुत पसंद है बाकी मैंने कमे पसंद है तो इसने एक बार गर्म कर दूँ ठंडी और इतनी चुन दे दिया था हमारी रोटी बना दूँ अब है दूसरा ना बच्चे टी वी देख रहे हैं वो पी रहे हैं तो बना दे एक बार लो जी रोटी राटी मैंने खा ली थी अरे भी मुंटी देख 9 बज रहे हैं और गाड़ी की चाबी उठा के ना गाड़ी के दोरो खड़ा है के करना चाहे बेरा नहीं होगा यो देख ले टीके है क्या रात ने 9 बजे गाड़ी की चाबी ले रहा है वेला स्टार्ट करूंगा मैं दूध पी के तो भाई छोरा का जी कराया तो एक बार स्टार्ट करवा ले हैं वो कल बतावा है क्यों स्टार्ट करा हाँ ठीक है यो राज है एक हैं जब कल सुबह 6 बजे खुलेगा हाँ कल सुबह 6 बजे हम कहीं बाहर जाएंगे ठीक है ल
लो जी फिलहाल गाड़ी स्टार्ट कर दी। देख या मेरी है ना 10 मिनट पीछे चला, इसकी जो घड़ी है ना 8:40 दिखा हुआ है, तो 8:50 हाँ 8:49 या 50 हो गए, मतलब इतना सा है। तो हमने स्टार्ट कर दी गाड़ी भाई, ठीक है कर दी तो कर दी भाई, करांगे हमारी मर्जी। क्यों रहा छोरे? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें ना, नीचे उतर ये बात है तो चल नीचे उतर। कौन है कल बच्चे की छुट्टी है, आंटी की छुट्टी है, हमारी तो छुट्टी हो रही है, हम तो बचपन में बड़े थे, तो कल ना कुछ दासू सा ब्लॉग आऊंगा। दासू बहुत अच्छा बुटी वाला जमीन के करोगे सोचा उसकी गल डिस्कस तो मैं करने नहीं पाऊंगी, बीजी इतने आम जिस दिन के ब्लॉग बनावा ज्यादातर ये घर आए रहे हैं, कुछ इनके काम है जो इसके अलावा दूसरे अपोजिट साइड दूसरे काम है जो मतलब हम बताना नहीं चाहते, तो मैं काम भी कर लिया करे हैं, लेकिन इसके लिया करो मतलब बताना नहीं चाहते। फिर बताना है, बता दी कोई ना, ठीक है वे अलग बातें हैं। हाँ तो ये घर आए रहे आगरा, तो इनको आगरा 24 घंटे घर आए रहूंगी मैं, 24 घंटे घर आए रहूंगी भैया। एक हफ्ता टूर पर गए थे नहीं, मैंने कहा आगरा दी फोन करके तोड़े से आए थे, तो कह दिन हो जी कौन आगरा नो कौन आगरा मारा को लगता थी, तो इनको क्या कर दे 6 महीने हो लिए मैं घर आई हूँ, 6 महीने हो लिए मैं घर आई हूँ, और घर आए भी ना होए बराबर हो जाए, फोन लेके एक बोड़े से लुट के एक बोड़े से लुट के, खुद नींद आएगी तो ठीक से है, किसी ने नहीं सुनते हुए बड़का बूट ले रहे कूड़े बनवा दे, और मेरा तो नंबर है नहीं, तो ये मैं टॉपिक पर तो दूर चली गई थी, इन्हें देख मेरे बात याद आ जाए, आप सब कमेंट करके बताइयो मामने के करना चाहिए उस दिन, क्योंकि पिछले साल भी फॉर्मेलिटी वाइज केक काटा था, इनकी बार हम दिन से मनाओ 6 साल हो गए मेरे बहन है, यूं नहीं भी ब्लॉग दिखाने खातर वाक्य में दिल से बनाऊंगी, तो बताइए क्या करना चाहिए, कुछ अपने सलाह दी, साड़ी पहनी यू पहनी यू पहनी, गर्मी में साड़ी चूड़ी तो कौन ठीक रहा है, साड़ी तो कौन ही रहा है, बाकी जो मामने सोच रखे हैं वो तो बता दे कौन ही, वो तो फिर सरप्राइज सा खराब हो जाएगा, लेकिन उस पर भी अच्छा कुछ होगा तो आपका कमेंट पढ़ाएंगे और बताओगे भी इस सदस्य ने यह सलाह दी थी मामने मैं नहीं हरिया करिए, उसका नाम जरूर मेंशन करांगे बच्चे सारे जने गाने सुने जावे हैं, और यो छोरा तो गाने बिना रंधा ही नहीं, म्यूट कर दिया तने, और यो छोरा है ना यो छोरा गाने बिना रंधा है नहीं, यो तो भाई इस खातर तो गाने चलाओ किमी भी चलाओ बस चलने चाहिए, और इन खातर कार्टून चलाए तो कार्टून चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है भाई ठीक है छोटू है चालू। हाँ ये देखो भाई कितना प्यारा गाना था अपना, यो इश्क का चरखा, राणा साहब की लुक देखो यार, राणा साहब की लुक देखो, हाँ जी क्या कहना चाहते हैं, राणा साहब की लुक देखो, मैं कहूँ था कुछ नहीं है गाना था कुछ, तो बनाया था तो यूट्यूब पे है, तो ये मतलब अभी प्रेजेंट की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है, गाना बनाया था तो यूट्यूब पे, यो मतलब बहुत अच्छा गाना है, इश्क का चरखा है भाई, रेणुका पवार ने गाया था, और आरजू ढिल्लो और मंदीप राणा इसमें मेन लीड में, और बहुत ही मतलब बहुत गजब की वीडियो बना रखी इस गाना की, तुम देखियो यार बहुत गजब है, ये हिंट है ऐसे हम प्रमोशन करते हैं खुद के गाने के ऐसे करिए नहीं तो सब क्या किनो कर दे, मैं प्रमोशन करवाया करो। हाँ तो भाई आपने और भी अगर लेटेस्ट गाने तो हमने सुनने हैं तो 40-50 गाने YouTube पे मिल जाएंगे, मंदीप राणा न्यू हरियाणवी सॉन्ग्स करके आप YouTube पे सर्च करो, बाकी व्लॉग बहुत सारे हो रहे हैं, एक तो गाना के बीच में व्लॉग भी मिक्स मिलेंगे तो हमने,
तो मंदीप राणा नी हरियाणवी सॉन्ग्स करके बहुत ही प्यारे प्यारे गाने देखने को मिलेंगे तुमने भाई। ठीक है, इतना मैं डिस्कस कर लो मांगा में बैठा हूँ। ठीक है जी, हाँ डिस्कस करियो भाई थोड़ी सी है। ना बाकी मैं करो ना करने दो, वो काम हो रहे हैं, चलो बैठ जाओ। मोंटी डिस्कस कर लो मांगने में जाऊँ भाई। ठीक है, डिस्कस कर रही है कुछ मैडम आया, कुछ डिस्कस कर रही है आपके साथ। हाँ हाँ, यो देखियो छोरा नु कहा चुप रहा है मम्मी, नो कुछ नहीं डिस्कस करना। ठीक है ओके, चला लो भाई सुन लो गाने। तो जी यो था आज का अपना प्यारा सब लोग, तमने देख लिया किसा लग गया। फिलहाल मैं आंगन में बैठ गया एडिट करने लग रहा था। हाँ क्या होगा बेटा, ये आंगन में ही आ गए भाई। तो भाई मैं आंगन में बैठ के एडिट करने लग रहा था, क्योंकि एडिटिंग कर थोड़ी थोड़ी सी शांति चाहिए। और आंगन में शोर शराबा नहीं है, बीच भीतर जो है ना बच्चे टीवी चला रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो एडिट अच्छे से नहीं हो पाता। क्योंकि मतलब ध्यान उसी तरफ होना चाहिए जब आदमी एडिट करने लग रहा है ना, तो ब्लॉग ने देख देख के ना कि भाई कौन सी चीज़ काटनी है कौन सी नहीं, तो एडिटिंग उसी ने कम है, तो सीधा ध्यान मतलब एडिटिंग में लगा होना चाहिए। तो इसलिए शांति चाहिए एडिटिंग करने खातर। तो आंगन में बैठ के मैंने एडिटिंग कर ली, तो हमने ब्लॉग किसा लगा कमेंट करके जरूर बता दियो। तो हमने वीडियो बढ़िया लगा है तो कमेंट जरूर कर दिया करो यार, और लाइक भी कर दिया करो। और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये छोटा सा कोना में लाल बटन दिखा है ना, इसने दबा के ना चैनल ने कर लो सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी बजा दो, ताकि तुमने अपने आने वाले नए नए ब्लॉगों के बारे में बेरा पड़ता रहे और तमें देखे जाओ और नुए तारा एंटरटेनमेंट होता रहे। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो राम राम सारे, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, कीप्स फॉरिंग हरियाणा।